único. मैं आज सेंसबरी से कुछ चीज़ें लेने आई हूँ और लाइन में खड़ी हूँ। ये वो आधी लाइन है जो आप सबको नज़र आ रही है। इसके बाद लेफ्ट टर्न करके फिर एक लंबी सी लाइन है जिसके एंड पे जाके सेंसबरी का गेट है। देखिए कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा इस लाइन में खड़े होने का। और अभी तो आहिस्ता आहिस्ता सब लोग रेंग रहे हैं। आप भी मेरे साथ रहिए। अच्छा खूबसूरत दिन है, रोशन रोशन, मेरी पसंद का सूरज चमक रहा है। सूरज मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, बचपन से ही मुझे रोशनी अच्छी लगती है, अंधेरे अच्छे नहीं लगते। और इसलिए शायद मुझे गर्मी भी कम लगती है और सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। ये क्वारंटाइन लोगों के लिए नई बात होगी, लेकिन मैं जब स्कूल में थी तो हर साल मुझे नज़ला और खांसी हो जाता था और इतना शदीद होता था कि मुझे मेरी टीचर घर भेज देती थी अनलिमिटेड छुट्टियां देके। उसका कहना होता था कि जब आप ठीक होंगी तब वापस आए। शायद उसको भी ये खौफ होता था कि मेरे साथ मेरा नज़ला ज़ुकाम मेरी दूसरी साथी स्टूडेंट्स को भी बीमार ना कर दे, तो मैं घर आ जाती थी। और लेकिन मेरे घर वाले मुझसे परहेज नहीं करते, वो मेरे साथ वैसे ही रहते थे जैसे नॉर्मल दिनों में, और मैं फिर ठीक भी हो जाती थी जल्दी। हाँ दवाई भी लेती थी शायद, आमतौर पे गले के अंदर ग्लिसरीन लगाया करते थे, कुछ ज़्यादा दवाइयों का रवाज नहीं था। या कोई ज़्यादा बीमार हो जाए तो फिर उसको हमारी स्कूल और हमारे घर वाली गली में ही एक डॉक्टर वहीद का क्लिनिक था। और हमारे वालदे ना भी जाएँ तो वो हमें भेज देते थे कि जाएँ आप डॉक्टर वहीद को दिखा लाएँ। हम उनके पास जाते, वो बड़े खुश मिजाज डॉक्टर थे, वो हंसते हंसते हमें दवाई को दे देते थे, कोई मीठी कुछ जायका दवाइयाँ जिनसे आराम आ जाता था जल्दी। शायद एंटीबायोटिक की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उन दिनों दवाइयाँ खालिस होती थी और ख़ुराक भी खालिस होती थी और हवा भी खालिस, क्योंकि अभी एसी, फ्रिज और इतनी सारी गाड़ियाँ, इन चीज़ें जो है ये दुनिया को आलूदा करने के लिए नहीं थी हमारे इलाकों में। घरों में आम पंखे होते थे, बिजली तो थी और रेडियो, टीवी किसी किसी के घर होता था, हर एक के पास नहीं, और सारा मोहल्ला उसी घर में जाके टीवी देखता था। लोगों के दरवाजे खुले होते थे, कोई डर खौफ नहीं था, और मोहल्लेदार सारे एक खानदानी कुनबे की तरह रहते थे। अब आप देख लें अभी तक तो ये कतार जो है हिल नहीं रही, ऐसे लगता है सब अपनी अपनी जगह पे मुंजमिंद हो गए, जामद हो गए। अभी देखें
कब तक बारी आती है वहाँ तक जाने की। नहीं तो भी बाहर का मंजर है, लेकिन दुकान के अंदर भी ज़्यादा लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती, इसलिए देर लगती है। दो या चार लोगों को अंदर भेजा जाता है इतनी बड़ी शॉप में, और जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर अगले लोगों को जाने की इजाज़त होती है, और उनसे भी जो अंदर होते हैं कहा जाता है कि आप जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लें और थोड़ी चीज़ें खरीदें ताकि दूसरों को भी चीज़ें भी मिल सकें और बारी भी मिल सके। कल ईस्टर है, ईस्टर की छुट्टी है, शायद इसलिए आज ज़्यादा लोग शॉपिंग करने निकले हैं। मुझे लगता है कुछ लोग बगैर शॉपिंग के वापस आ रहे हैं, शायद लाइन में खड़े हुए थक चुके हैं, उन्होंने सोचा होगा फिर आ जाएंगे। यहाँ तो अभी काफ़ी देर लगेगी, लगता तो ऐसे ही है। अभी तो सामने वाले किनारे तक पहुँचने में देखें कितने टाइम लगेगा, और उस किनारे से फिर पूरा बरामदा क्रॉस करके दुकान तक पहुंचने में अभी थोड़ी सी जुम्बिश हुई है। मैं भी अपनी जगह से थोड़ी सी आगे आ गई, आपको ये जगह दिखा दें जहाँ हम खड़े हैं। ये चप्पल है, ट्विस्ट है, और वो देखिए पीछे भी, मेरे पीछे भी काफ़ी लोग आ चुके हैं। बेलफ्री की आगाज से भी पीछे तक लाइन लगी हुई है, ये लोग मेरे पीछे खड़े हैं। और थोड़ा सा कुछ और हरकत हो रही है, शायद थोड़ा सा और आगे जाने का मौका मिले। बहुत मामूली सी जुम्बिश, इंतजार। ये मुहज़्ज़ब लोग हैं इसलिए इंतजार करते हैं, एक दूसरे की बारी का एहतराम करते हैं। अगर कोई एक दूसरे से आगे नहीं जाता है, कोई एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है।